सबक नंबर दो, मेरा बदन। ये सबक हम पढ़ चुके हैं और इसके मुश्किल अल्फाज भी हमारे हो चुके हैं। आज हम इसकी मशकी सरगर्मियां करेंगे। देखो, पढ़ो, लिखो। ये क्या लिखा हुआ है? हिस्सा। हाँ, देखिए इसमें दो आवाजें, हिस्सा, है ना। इसी लफ्ज को यहाँ जो खाली जगह बनी है आपको यहाँ लिख लेना है। अल्लाह, अल्लाह में भी कितनी आवाज है? दो, अल्लाह। और इस तरह से दोनों आवाजों को मिलाकर यहाँ खाली जगह में आपको लिख लेना है, अल्लाह। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। सफा नंबर 13। हाँ, इस पर ऊपर हम देखेंगे क्या लफ्ज है ये, मैल कुचे, है ना। यहाँ पर देखिए कितनी आवाजें हैं इसमें, मै है, ल है, कु है, चे है, ल है, है ना। ये सारी आवाजों को मिलाकर हम यहाँ पर लफ्ज मुकम्मल करेंगे, मैल कुचे, है ना। गंदा हो, गंदे हो जाते हैं हमारे कपड़े, हमारा सांस, है ना। सांस में भी देखिए कितनी आवाजें हैं, सा, स, हाँ, सा। इस तरह से फिर पूरा लफ्ज यहाँ आपको खाली जगह में लिखना है। यहाँ पर देखिए नून है, लेकिन नून कैसे है, यहाँ पर खामोश है, ठीक है ना। नुक्ता आएगा लेकिन हम उसको पढ़ेंगे नहीं, सांस पढ़ेंगे, सांस, ठीक है। अब उसके नीचे देखिए ये लफ्ज सूंघता, है ना। इसमें कितनी आवाज है, सू घ ता, हाँ। फिर ये पूरी आवाज को, तीनों आवाज को हम मिलाकर पूरा लफ्ज लिख देंगे, सूंघता। देखिए यहाँ भी नून है पर नून यहाँ भी खामोश है ना। लिखना है पर उसको हम पढ़ेंगे सिर्फ नाम की, नून की आवाज नाक से हमारे गुन्ना की तरह आएंगी, हाँ, सूंघता, थोड़ी सी आवाज आएंगी यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ये क्या है, मुंह, है ना, मुंह। यहाँ भी देखिए हुरूफ मीम है, नुनगुन्ना है, हे है, ये दोनों आवाजों को मिलाकर बन जाएगा मुंह, हाँ। यहाँ भी नून कैसे है, गुन्ना की आवाज निकल रही है हमारे नाक से, आवाज आ रही है, ठीक है। यहाँ इस खाली जगह में इसको मुकम्मल करेंगे। यहाँ देखिए दांत, है ना, दा त, दांत। यहाँ भी नून गुन्ना है, देखिए, है ना, नून को नाक से गुन्ना करना है, हाँ, ठीक है, दांत। यहाँ भी इस लफ्ज को पूरा मिलाकर लिख लेंगे हम लोग, इसी तरह से बिल्कुल देख के एकदम खुशखत लिखना है आपको। तो ये देखिए सिरे, कितनी आवाज है, दो आवाजें, सी रे, दोनों आवाज को मिला के इस तरह से लफ्ज मुकम्मल करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सही जोड़ियां लगाओ, क्या है ये, सही जोड़ियां लगाओ। ये तो एकदम ही आसान है, आपको तस्वीरें देखना है, है ना, और तस्वीरों को देखते हुए जिससे जो काम लिया जाता है उससे उसकी आप जोड़ी लगाओगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है, एकदम आसान है, इसको करके मुझे भेजेंगे। चलिए अब आगे आ जाइए, नीचे पढ़िए इसको। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब एक लफ्ज में लिखो। फिर से सुनिए, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब एक लफ्ज में लिखो। सवाल नंबर एक, जिस्म के किस हिस्से से हम खुशबू और बदबू पहचानते हैं, बताओ जल्दी से। हाँ, नाक, है ना, यहाँ पर आपको एक लफ्ज लिख देना है, नाक। सवाल नंबर दो देखिए, हाथ में कितनी उंगलियां हैं, चलिए जरा देखिए अपने अपने हाथों में, है ना, एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं, पांच, शाबाश, इस तरह से हम लिख लेंगे, पांच, ठीक है। चलिए सवाल नंबर तीन, हम बदन के किस हिस्से से लिखते हैं, बताइए जल्दी से, हम किस हिस्से से लिखते हैं, हाँ हाँ, शाबाश, हाथ, हा और ये था, हाथ, है ना। सवाल नंबर चार देखिए, हाथ और पांव की हर उंगली के सिरे पर क्या है, हाथ और पांव की हर उंगली के सिरे पर क्या है, हाँ क्या है, बताओ जल्दी से, देखो सब लोग अपनी अपनी हाथों और पैरों की उंगलियों के सिरे पर नाखून, क्या है, नाखून है। सवाल नंबर पांच, तुम अपने नाखून
कब काटते हो? जल्दी से बताओ, तुम अपने नाखून कब काटते हो? हाँ, हफ्ते में एक दिन, है ना? हर हफ्ते में एक दिन हम अपने नाखून काटते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम हफ्ते में, देखिए बराबर से, हफ्ते में एक दिन, है ना? ठीक है, ये आपके हो गए पूरे सवालों जवाब, है ना? तो ये बच्चों आपका ये होमवर्क है, ये मशक आपको करना है और मुझे इसका फोटो भेजना है। हाँ, ये आपका होमवर्क है।